दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कई तरह के नक्शे या मानचित्र मौजूद हैं। अगर आपने दुनिया के नक्शे को कभी गौर से देखा होगा तो आपको वहां पर 195 देश ही देखने को मिलेंगे और इनमें से 193 देश यूनाइटेड नेशन के सदस्य हैं और 2 देश यूनाइटेड नेशन के सदस्य नहीं हैं। लेकिन बीच बीच में दूसरे देश भी इस लिस्ट में शामिल होते रहते हैं। लेकिन आज हम आपको दुनिया के 7 ऐसे देशों के बारे में आने वाले हैं जिनका दुनिया के नक्शे में कोई नामो निशान नहीं है। तो सरकार उन 7 देशों को नक्शे में क्यों नहीं दिखाना चाहती है और सरकार ऐसा भेदभाव उन देशों के साथ क्यों कर रही है? तो चलिए आज हम आपको दुनिया के उन 7 देशों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको दुनिया के किसी मानचित्र या किसी नक्शे में नहीं दिखाई देंगे और कई लोगों ने तो इन देशों के नाम भी नहीं सुने होंगे। नंबर 7, पुंतलैंड। जिस तरह सोमालिया से अलग होकर सोमाली लैंड बना है और ठीक उसी तरह पुंतलैंड भी बना है। पुंतलैंड के पहले राष्ट्रपति अब्दुल्लाही यूसुफ अहमद थे, लेकिन 8 जनवरी 2019 से पुंतलैंड के 6ठे राष्ट्रपति सैद अब्दुल्लाही दानी हैं और पुंतलैंड पर ISIS का कब्जा रहा है और इसके पास अपना झंडा और करेंसी भी है, फिर भी इसे दुनिया के मैप में शामिल नहीं किया गया है। बर्छे से बोर्गा इटली के वेटिकन सिटी में कई छोटे छोटे देश मौजूद हैं, लेकिन इनमें से बोर्गा को किसी नक्शे या मानचित्र में कोई जगह नहीं मिल पाई है। यह एक बहुत ही छोटा सा देश है जो न्यूयॉर्क शहर के सेंट्रल पार्क जितना बड़ा है और बोर्गा गांव खुद को आज़ाद देश बनाना चाहता है और यहां की करेंसी यूरो है और इसके पास अपना झंडा भी है, फिर भी इसे विश्व के मैप में शामिल नहीं किया गया है। नंबर 5, अबखाजिया। यह देश पहले जॉर्जिया देश का हिस्सा था, लेकिन इसके बाद सोवियत यूनियन गिरने के बाद इस देश ने अपनी आज़ादी मांगी और 1993 में इस देश को आज़ाद कर दिया गया और इस देश की करेंसी रूसी रूबल है, इसके पास अपना झंडा भी है। नंबर 4, वेस्टर्न सहारा। पश्चिमी सहारा उत्तरी अफ्रीका का हिस्सा है, लेकिन वेस्टर्न सहारा दुनिया के नक्शे में रेगिस्तान में पानी की बूंदों की तरह दूर दूर तक नज़र नहीं आता है। यह देश कई सालों से अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा है और इस देश के पास खुद की करेंसी और राष्ट्रीय झंडा भी है। नंबर 3, इराकी कुर्दिस्तान। 1970 से ही इराक देश में ही इराकी कुर्दिस्तान एक आज़ाद देश मौजूद है, लेकिन इसकी अलग अपनी आर्मी सरकार और बॉर्डर भी हैं और इसकी करेंसी इराकी दिनार है और इसके पास अपना राष्ट्रीय झंडा भी है। नंबर 2, सोमालीलैंड। सोमालिया पूर्वी अफ्रीका में अदन की खाड़ी में स्थित एक देश है। सोमालिया एक प्रमुख रूप से इस्लामी देश है। 1991 में अचानक सोमालिया में गृह युद्ध शुरू हो गया और उसने अपने उत्तरी पश्चिमी हिस्से को आज़ाद घोषित कर दिया और सोमालीलैंड के पास खुद की करेंसी और खुद का राष्ट्रीय झंडा भी मौजूद है। नंबर 1, ट्रांसनिस्ट्रिया। यह देश 1990 में बना था। इससे पहले यह देश चिसिनाऊ में शामिल था और यह देश भी वर्ल्ड मैप में शामिल नहीं है, लेकिन इसके बाद भी इस देश की अपनी अलग सेना है और इस देश के पास खुद की करेंसी और खुद का राष्ट्रीय झंडा भी है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। तो चलिए हम कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।